अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रास्ता बताया था, अब वो जाके वो आ भी गए वहाँ से छुट्टी में, और सुबह आए लड़के को अपने मिलाने लेके आए, और लड़का खुद मना कर रहा था। वो जब मिलते मिलते एक बार की हमको गाली देने लगे, और गाली का इल्ज़ाम हम पे लड़ने लगे। लोग आस पास ने लोगों ने मना किया कि इनको इनसे लड़ाई मत करो, गाली नहीं दिया। बात को बतंगा बनाने के बाद वो गए अपने लड़कों को उसका के, और कम से कम 3-4 लड़के साथ में और थे, और इनके तीनों लड़के थे हाथ में 315 कट लिए थे, फायर किए उस पट्टी से। एक लड़का मुझसे बात कर रहा था, एक भाई को हमारे बट से मारा भी, इनके छोटे लड़के ने फायरिंग किया और हमारे भाई के सीने पे आग गोली लग गई, लिहाजा वो मारते हुए अंजाम देते हुए भाग गए वहाँ से। ये तौसीफ नाम का एक लड़का है, उसकी जो है इनके 3 साल से जो है कोई विवाद चल रहा था। विवाद तो क्या था, मतलब 3 साल पहले इन्होंने जो है, जो इसके भाई का बताना है कि एक बाबुल है और एक जो है जावेद है उनके पिताजी, तो बाबुल को ये लोग जो है सऊदी भेजे थे, और उसी में बाबुल अब जब वापस आया तो वो कह रहा था कि वो कंपनी से भी निकाल दिया है, तो अब हमको अपना रुपया वापस दो। तो उसी को लेकर के इनका कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। उसी के दौरान आज सुबह जो है जावेद और बाबुल आए थे इनकी दुकान पे, जो इन घड़ी की दुकान है, और आकर के जो है कुछ इनके साथ में हॉट टॉक हुई थी। उसके बाद 2 बजे फिर 4 या 5 लड़के आए हैं और आकर के जो तौसीफ है उसको गोली मार दिए हैं। उसके जो है लेफ्ट साइड में जो है चेस्ट में अभी बुलेट इंजरी है, और अभी क्रिटिकल नहीं है, पर अभी जो है एक्सरे करवा करके और आगे की मेडिकल की कार्रवाई करवा रहे हैं। और ऑलरेडी इसमें 2 टीम जो है, हम लोगों ने बेली गांव का रहने वाला है जावेद और बाबुल, तो वहां पे उसके घर पे छापेमारी के लिए भेज दिया है।